दोस्तों आज हम जानेंगे कि गज मोती क्या है, जिसे हाथी के दिमाग से मस्तिष्क से निकालकर उसकी तस्करी की जाती है, और यह बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, और इसकी तस्करी क्यों की जाती है, और इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। श्रीलंका में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की टीम ने एक छापेमार कार्रवाई में 76 गज मोती यानी कि एलिफेंट पर्ल बरामद किए हैं। गज मोती को श्रीलंका में गाजामुथु भी कहा जाता है, क्योंकि श्रीलंका में गज मोती की तस्करी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। श्रीलंका मीडिया के मुताबिक आमतौर पर लोग समझते हैं कि हाथियों का शिकार सिर्फ इनके दांतों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका शिकार करके इनके दिमाग में मौजूद गज मोती को भी निकाला जाता है और इसकी तस्करी की जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में इसकी काफ़ी मांग है। आखिर ये गज मोती या गाजामुथु है क्या, और ये बनती कैसे है? इसे भले ही मोतियों की कैटेगरी में शामिल किया गया है, लेकिन वास्तव में यह मोती नहीं होता। यह हाथी के दांत के लास्ट में मौजूद ब्रेन में पाया जाता है। गज मोती हाथी के बड़े दांतों के अंदर सबसे पीछे की तरफ बनता है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सभी हाथियों में यह मोती नहीं पाया जाता, यह मोती दुर्लभ होता है। हाथियों में इससे बनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब इसके दांत पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। हाथी में जो दांत बाहर दिखाई देते हैं उसके ऊपर की तरफ 1/3 पार्ट में एक कैविटी होती है। इसमें नर्व, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज होते हैं, जो देखने में एक जेल की तरह या जेली की तरह नजर आते हैं। जैसे जैसे हाथी की उम्र बढ़ती है, इसका जेल या जेली सूखना शुरू हो जाता है, और करीब 60 साल की उम्र में इस हिस्से में एक होलो कैविटी या खोखली कैविटी तैयार हो जाती है। जेली के सूखने पर यह अपने हिस्से से अलग हो जाती है। अब पूरी तरीके से जेली सूखने के बाद कैविटी अपनी जगह छोड़ देती है, इसलिए जब भी हाथी बार बार अपना सिर हिलाता है, इसके शरीर में मौजूद कैविटी में मूवमेंट होता है और इसमें चमक आ जाती है। इसे ही गज मोती कहा जाता है। इस तरह हाथी में मोती का निर्माण होता है। यह बुजुर्ग हाथियों में पाया जाता है, और आसान भाषा में समझें तो यह दांत का ही एक हिस्सा है। अब गज मोती को लेकर भारत और पड़ोसी देशों में मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के कारण इनकी तस्करी की जाती है और तस्कर मोटी कमाई करते हैं। माना जाता है कि इसे राजा पहनते थे और उनके बच्चे स्वस्थ रहते थे, उन्हें हर मामले में जीत हासिल होती थी। ऐसे राजा को पवित्र माना जाता था और यह गज मोती उनके लिए सौभाग्यशाली साबित होता था। आज भी इसे समृद्धि के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।